नमस्कार दोस्तों, पवन वाघ एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पवन वाघ एकेडमी पर आपका स्वागत है। मैथ्स के वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस और जनरल नॉलेज की वीडियोस देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब पवन वाघ एकेडमी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल और नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका धन्यवाद, और जो नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। देखिए, जब किसी पर्टिकुलर एंगल के जो दोनों आर्म्स हैं, उन दोनों आर्म्स की हम अपोजिट रे ड्रॉ करें, ओके? जैसे मेरे पास एक एंगल है, एंगल एओबी, ओके? ये एंगल है एओबी। अगर मैं इस बी के अपोजिट में एक रे ड्रॉ कर लूं, बीडी, और इस ओए के अपोजिट में मैं दूसरी रे ड्रॉ कर लूं, थोड़ा तिरछा हो गया, ओके? तो ये जो दो एंगल बन रहे हैं, ये एंगल और ये एंगल, ये अपोजिट एंगल होंगे और ये भी अपोजिट एंगल होंगे, ओके? मींस एंगल्स फॉर्म बाय द अपोजिट रेज ऑफ द आर्म्स ऑफ द एंगल, दे आर कॉल्ड अपोजिट एंगल्स, ओके? इसका मतलब क्या, एंगल्स फॉर्म बाय द अपोजिट रेज ऑफ द आर्म्स ऑफ द एंगल आर कॉल्ड अपोजिट एंगल्स। तो यहां देखिए, OA का अपोजिट जो है वो OC है और OB का अपोजिट रे जो है वो OD है। तो ये दोनों अपोजिट रेज ने जो एंगल फॉर्म किया है, ये एंगल इसका अपोजिट है। मींस AOB का अपोजिट एंगल कौन सा है, COD है, ओके? और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, देखिए सिर्फ अपोजिट एंगल आपको बताने के लिए दिया है, लेकिन वर्टिकली अपोजिट एंगल ऐसे होते हैं कि जब दो रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो ये जो एंगल फॉर्म होते हैं दे आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये दोनों और ये दोनों। और वर्टिकली अपोजिट एंगल की मेजरमेंट भी सेम होती है। अब हम वो प्रूफ करेंगे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल क्यों होते हैं, ओके? वो अब हम देखते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल को समझने के लिए मैंने यहां पर दो लाइंस ड्रॉ करके रखी जो एक दूसरे को ओपन इंटरसेक्ट कर रही है। इसमें एंगल एओसी जो है वो बीओडी के इक्वल आएगा और एंगल बीओसी जो है वो एओडी के इक्वल आएगा। ये हमको इक्वल बताना है, ये हमको प्रूफ करके बताना है कि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। वैसे ये आप हमेशा ध्यान रखिए, द एंगल्स द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये आपको पता होना चाहिए। अब वो क्यों इक्वल होते हैं वो मैं आपको अब बता रहा हूं यहां पर, ठीक है? तो देखिए, यहां लिखिए एंगल एओसी, एंगल एओसी एंड बीओसी एंड एंगल बीओसी आर एंगल्स इन लीनियर पेयर। ये दोनों एंगल्स इन लीनियर पेयर है। अगर ये दोनों एंगल्स इन लीनियर पेयर है तो हम लिख सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ एंगल एओसी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बीओसी। देखिए, एओसी और बीओसी का सम कितना आएगा, वो आएगा 180 डिग्री, बिकॉज एंगल्स इन लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये हो गया नंबर वन। इसमें अगला पार्ट देखिए, एंगल बीओसी और बीओडी, ये भी एंगल्स इन लीनियर पेयर है, क्योंकि देखिए ये कॉमन आर्म है और ये अपोजिट है, जो रिमेनिंग आर्म्स है दे आर फॉर्मिंग स्ट्रेट लाइन, ओके? दे आर द अपोजिट रेज ऑफ ईच अदर, ओके? तो यहां हम लिखिए कि एंगल बीओसी एंड एंगल बीओडी आर एंगल्स इन लीनियर पेयर। तो हम लिखे यहां पर मेजरमेंट ऑफ एंगल बीओसी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बीओडी इज इक्वल टू 180 डिग्री अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ द लीनियर पेयर एंगल। अब आप इन दोनों को इक्वल लिख सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू भी 180 के इक्वल है और इसकी वैल्यू भी 180 के इक्वल है। तो ये दोनों पार्ट्स को हम इक्वल लिख लेते हैं, दैट मेजरमेंट ऑफ एंगल एओसी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बीओसी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल बीओसी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बीओडी। अब आप देखिए, ये दोनों जो है ये इक्वल के दोनों साइड है, दोनों सेम साइन में है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। हमें मिलेगा मेजरमेंट ऑफ एंगल एओसी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल बीओडी,
इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं, इस तरह से आप बता सकते हैं दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो बहुत सिंपल है, इस तरह से आपको करना है। अब इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं, सपोज देखिए आपके पास में ये जो एक मैंने एग्जांपल लिया है यहां पर, सपोज ये है 60 डिग्री, ओके आपको यहां एक्स वाई और जेड सबकी वैल्यू निकालनी है। तो आप कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप इसके नाम दे दीजिए ए बी सी डी, ऐसा कुछ नहीं कि हमेशा आप ए बी सी डी ही नाम दे, इसको यहां पे ऊपर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो पहले आप ये दोनों एंगल लिख लीजिए, ओके दैट मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल बी ओ डी बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये दोनों इक्वल इसलिए है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो यहां ये तो क्लियर हो गया कि AOC और BOD ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसलिए इनके मेजरमेंट इक्वल आएंगे। अब आप इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, X और Z की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्योंकि आपने यहां Y की वैल्यू तो आपने निकाल ली। देखिए X और 60 अगर हम देखें, एंगल AOD और एंगल AOC इन दोनों का मेजरमेंट 180 के इक्वल आएगा बिकॉज दे आर द एंगल्स इन द लीनियर पेयर, ओके सो वी कैन राइट हियर मेजरमेंट ऑफ एंगल AOC प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल AOD दैट इज 180 डिग्री अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ लीनियर पेयर एंगल। और ये हो जाएगा AOC है 60 और ये है X, दिस इज 180, तो X इज इक्वल टू 180 माइनस 60, ये हो गया 140। तो इस तरह के भी कुछ क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, हालांकि आपके एक्सरसाइज में सिर्फ दो क्वेश्चन दिए हैं और दो क्वेश्चन की मदद से आपको बचे हुए एंगल निकालना है, तो वो तो आपको ही करना है। ओके, उसमें एक क्वेश्चन देके रखा है एक्स वाला, मीन्स आपको ऐसा देके रखा है कि ये जो है दो रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है और एक अगर एक्स हो तो फिर ये क्या होगा, ये देखिए अगर ये x है तो ये भी x ही होगा, ओके और ये क्या होगा, दिस विल बी 180 माइनस x क्योंकि इन दोनों का सम 180 है, तो अगर आप इन दोनों को प्लस करते हैं तो देखिए आपको मिल जाएगा 180। तो इस तरह से उसको करना है, बहुत सिंपल सा वो देके रखा है, लेकिन हाँ इस पर बेस्ड मैं आपको कुछ क्वेश्चन देने वाला हूँ, आपको वो प्रैक्टिस करना है और उसके लिए मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक देके रखी है, आप वहां से आप डाउनलोड कीजिए, उसको आप क्लिक करेंगे तो पीडीएफ फॉर्मेट में वो आएगा आपके मोबाइल में, पीडीएफ रीडर होना चाहिए ताकि वो आपको फाइल आपके मोबाइल में डिस्प्ले हो सके। तो दोस्तों इस तरह से ये वर्टिकली अपोजिट एंगल का ये वीडियो है और ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया इसमें मैंने एक ही पेयर आपको इक्वल बताया है, ये दोनों को इक्वल बताया है, आप इन दोनों को भी इसी तरह से बता सकते हैं। अगर आपको इन दोनों को इक्वल बताना है तो आपको ये दोनों का सम 180 लेना पड़ेगा और ये दोनों का सम 180 लेना पड़ेगा, तो जो कॉमन पार्ट बीओडी होगा वो कैंसिल हो जाएगा और दिस विल बिकम इक्वल टू ईच अदर। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, देखते रहे पवन वाघ एकेडमी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।